कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, जिसके बाद अब ये कयास लगने लगे कि क्या कांग्रेस अब बजरंग दल को बैन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, जिसके बाद बजरंग दल और बजरंग बली के साथ जोड़कर भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि अब बजरंग दल का क्या होगा, जिसके बाद इस मामले पर अब विश्व हिंदू परिषद का बयान आया है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बजरंग दल प्रतिबंध की इस धमकी से डरने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदुओं को लिए अपनी नफरत के कारण बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती है तो इसके बाद आवश्यक कदम उठाया जाएगा। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अदालत ने इसे गलत बताते हुए रद्द कर दिया था। इसको लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने बाद में स्पष्ट किया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था और कांग्रेस का मिशन था कि नफरत की राजनीति को रोका जाए। मोइली ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं, कर्नाटक सरकार का बजरंग दल पर प्रतिबंध संभव नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक नेता के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारे पास बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब पार्टी की ऐतिहासिक जीत और पार्टी के सत्ता में वापस लौटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कदम उठाने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को लगे हाथ लपकते हुए भाजपा ने चुनावी मुद्दा भी बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में चुनावी रैली के दौरान इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की थी। वेब के साथ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया था। बयानबाजी के साथ बजरंग दल द्वारा राज्य में मतदान से ठीक एक दिन पहले देश भर में हनुमत शक्ति जागरण का पाठ कर कांग्रेस पार्टी को सीधे चुनौती दी गई थी। हालांकि परिणाम बताते हैं कि ये मुद्दा हिंदुओं के ध्रुवीकरण में भले न सफल हुआ हो, पर इससे मुस्लिम मतदाता जरूर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो गए। स्थिति में औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के सरकार में आने के बाद उसके सामने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा मौजूद रहेगा। स्थिति को विश्व हिंदू परिषद भी भलीभांति समझ रही है और उसके द्वारा उस परिस्थिति को लेकर विकल्प टटोले जाने लगे हैं, जिसमें कानूनी से लेकर जमीनी संघर्ष भी है। वेब के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे कहते हैं कि बजरंग दल तो आंदोलन का दूसरा नाम है, इसका जन्म ही राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुआ था। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।